हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि TJT स्पेशल एजुकेशन टीचर का एग्ज़ाम हो चुका है 93/20 और यहां तक कि 32/21 स्पेशल एजुकेटर का भी एग्ज़ाम हो चुका है जो प्राइमरी लेवल का था। अब दोस्तों, कई सारे मैसेज थे मेरे पास जो जिन्होंने ये कहा था कि मैं डेफ एंड डम की जो पोस्ट आई है TJT में, यानी कि जिसका पोस्ट कोड है 31/21 और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर डेफ एंड डम, डिपार्टमेंट है ये सोशल वेलफेयर का, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर में है और टोटल वैकेंसी इसकी 19 आई थी, जिसमें EWS की 2, जनरल की 8, OBC की 5, SC की 3, ST की 1 और PWD की 1 इसमें शामिल है। तो दोस्तों, इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी थी, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए कि आपके पास BEd होनी चाहिए और इसमें जो स्पेसिफिक ये था कि आपने हियरिंग इम्पेयर्ड में किया हो। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हियरिंग इम्पेयर्ड या फिर आपने डेफ एंड डब में किया हुआ है तो वही लोग फिल कर सकते थे। यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली मेंशन है, देख लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की लाइन पढ़ देता हूँ कि बैचलर डिग्री विद BEd स्पेशल एजुकेशन फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड, और अगर आप थर्ड पॉइंट देखें यहाँ पर तो BEd विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर फिफ्थ पॉइंट देखते हैं आप, सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, इसका भी यहाँ पर आप देख लीजिए एक्सपीरियंस वगैरह नील था। पे स्केल इसका भी 34,800 है बट ग्रेड पे 4600 लगता है और ये भी ग्रुप बी है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, क्योंकि अभी यहाँ पर TJT स्पेशल एजुकेशन टीचर और दोस्तों यहाँ पर PRT स्पेशल एजुकेटर दोनों का एग्ज़ाम हो चुका है, अब इसका ही नंबर आने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे DTPS भी रेगुलर एग्ज़ाम हर महीने कंडक्ट करा रहा है, तो दिसंबर तक एक्सपेक्टेड ये इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि अक्टूबर अब एंड है, अक्टूबर हो जाएगा। अगर अक्टूबर फिनिश हो, अभी अक्टूबर के 10-12 दिन बाकी हैं, नवंबर में हो सकता है कि इसका जो एक नोटिफिकेशन आ जाए एग्ज़ाम डेट की, और दिसंबर तक ये एग्ज़ाम हो जाए जितना कि एक्सपेक्टेड है जिस हिसाब से चल रहा है। बाकी अगर दिसंबर से लेट होगा तो मैक्सिमम जनवरी जाएगा, अगर डिपार्टमेंट इसका एग्ज़ाम लेना चाहता है तो। अगर जनवरी भी किसी वजह से स्किप हो जाता है तो फिर इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि देखो दोस्तों, मेरी बातें जो होती है ना, आप थोड़ा समझा करो। जैसे ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर है, ठीक है, ये एक डिपार्टमेंट हो जाता है सोशल वेलफेयर। यहाँ पर क्या है कि स्पेशल एजुकेटर आपको नहीं लगना, तो इस डिपार्टमेंट में जिस हिसाब से नीड थी उस हिसाब से वैकेंसी के लिए रिक्रूट दे दी गई, कि रिक्वायरमेंट का एडवर्टाइजमेंट दिया गया कि इतनी वैकेंसी चाहिए और बोर्ड ने वैकेंसी भी निकाल दी। बट क्या होता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें होती है, जैसे बजट वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो वो वैकेंसी को, मतलब जो है उसका एग्ज़ाम है, वो एक्सटेंड कर देते हैं या किसी वजह से ना वो वापस भी ले ली जाती है, क्विट भी कर ली जाती है। जैसे कि RCI का भी जो नोटिस आया था एडमिशन का, तो मैं देखिए, ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ आपको, ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये वैकेंसी वापस ली जा रही है, ठीक है। मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ कि अगर जनवरी से भी लेट होता है तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट जो है ये सोशल वेलफेयर का, ये इसके बारे में कुछ विचार विमर्श कर रहा है। तो सबसे जो उम्मीद है कि दिसंबर तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, दिसंबर में एग्ज़ाम होगा तो जनवरी फरवरी तक इसके आंसर की, और मार्च अप्रैल तक आपके डोजियर, यानी कि मार्च तक डोजियर हो जाएंगे अगर जनवरी दिसंबर में ये सब होता है तो, क्योंकि 2-3 महीने में डोजियर के लिंक हो जाते हैं और उसके बाद आता है फाइनल रिजल्ट। तो दोस्तों, 19 वैकेंसी है और यहाँ पर 600 से 700 के बीच में आसपास बच्चों ने अप्लाई किया था, और मैं अगर सीरियस बच्चे बात करूँ तो कम से कम 100 बच्चे होंगे जो सीरियस होंगे इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो इसकी भी कट ऑफ कुछ ना कुछ जा सकती है, क्योंकि 19 जो सीट होती है, क्योंकि कम सीट है तो ज़्यादा बच्चे अगर अपेयर होते हैं तो कट ऑफ चली ही जाती है। तो दोस्तों, जैसे भी इसकी कट ऑफ जाएगी, जैसे भी कुछ रहेगा, सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिली जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपके पास मेरा नंबर है तो जो भी आपकी क्वेरी है सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करो, कॉल मत करो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल।